नमस्कार, आज अपन बात करेंगे ऑस्कर अवार्ड में जो मूर्ति दी जाती है, ट्रॉफी दी जाती है, उसमें किसकी मूर्ति होती है, किसकी प्रेरणा से वो मूर्ति बनी और उस मूर्ति में क्या क्या साइज होती है और कैसे वो बनती है और उसकी शुरुआत कैसे हुई, आइए जानते हैं अपन। अमेरिका के अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स साइंस की तरफ से ऑस्कर की शुरुआत हुई। सबसे पहले हॉलीवुड में, अमेरिका में ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई और उसका पहला ऑस्कर अवार्ड 16 मई 1929 को हुआ, 1929 को दिया गया पहला ऑस्कर अवार्ड, ध्यान रखना, ठीक है। और 1927 जब ये 1929 को ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, उससे पहले 1927 को एक मीटिंग हुई कि उसमें ट्रॉफी की डिज़ाइन क्या रखी जाए, जो ट्रॉफी दी जाएगी विजेता को उसकी डिज़ाइन क्या रखी जाए, उसके ऊपर एक चर्चा हुई, मीटिंग हुई, डिज़ाइन पर चर्चा हुई, सभी ने अपने अपने डिज़ाइन दिए। उस मीटिंग में सभी ने अपने अपने डिज़ाइन दिए कि भाई ये डिज़ाइन रखो, वो डिज़ाइन रखो, सबकी डिज़ाइन है मिक्स की और फिर देखा कि किसकी डिज़ाइन अच्छी है, उसके अनुसार निर्णय लिया गया। इसमें मूर्तिकार जॉर्ज स्टेनली की मूर्ति को पसंद किया गया। अलग अलग मूर्तिकारों ने अपनी मूर्ति वहाँ बताई उस मीटिंग में, उसमें से सिर्फ जॉर्ज स्टेनली की मूर्ति को पसंद किया गया। पहला ऑस्कर अवार्ड लॉस एंजलिस में हुआ। किस स्थान पर हुआ फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड, ध्यान रखना आप, लॉस एंजलिस वहाँ पर हुआ। ऑस्कर अवार्ड में ट्रॉफी की प्रेरणा कहाँ से मिली जॉर्ज स्टेनली को, देखिए आप, मैक्सिकन फिल्मकार और एक्टर एमिलियो फर्नांडिस थे। इस जो मूर्ति बनी ऑस्कर की, जो ट्रॉफी बनी उसमें जो मूर्ति का जो साइज लिया गया वो उसका जो मुख्य किरदार था एमिलियो फर्नांडिस, ठीक है। एक बार फर्नांडिस को एक स्केच के लिए पोज देने के लिए कहा, उनको जॉर्ज स्टेनली ने उनको कहा था कि यार एक पोज दीजिए आप, अब उनको पता नहीं कि ऑस्कर अवार्ड ट्रॉफी के लिए पोज दिया जा रहा है, तो उन्होंने बेमन से पोज दिया ऐसे करके, ऐसे ही मतलब उनका मन भी नहीं था पोज देने के लिए। ये देखिए, उन्होंने कहा उसको पोज देने के लिए क्या, जिसकी 8.5 वजन वाला वजनी वो थी ट्रॉफी, उसके लिए उनको पोज देने के लिए कहा गया फर्नांडिस एमिलियो को, ठीक है। फिर फर्नांडिस ने बेमन से पोज दिया और वो पोज आइकॉनिक पोज हो गया। जब उन्होंने जो पोज दिया उन एक्टर और एमिलियो ने, तो जो पोज था वो आइकॉनिक हो गया, वो पोज सभी को पसंद आया और यहाँ तक कि जो मूर्तिकार जॉर्ज स्टेनली थे उनको भी वो पोज पसंद आया। लेकिन एक बात ध्यान रखने की बात है, लेकिन इन्होंने 50 साल के करियर में एक भी ऑस्कर अवार्ड नहीं जीता। अब है ना कितने संयोग की बात कि ऑस्कर अवार्ड की ट्रॉफी की प्रेरणा एमिलियो फर्नांडिस से ली गई, उनके पोस्ट से आइकॉनिक हुआ, लेकिन इन्होंने अपने 50 साल के करियर में एक भी ऑस्कर अवार्ड नहीं जीता। देखिए, अब तक 2000 से भी ज़्यादा ट्रॉफियों दी गई, अब तक जितने भी ऑस्कर अवार्ड हुए हैं उसमें 2000 से ज़्यादा ट्रॉफी अभी तक दे चुके हैं डिफरेंट कलाकारों को। इन्हें शिकागो की, अब इसको बनाता कौन, ये देखिए, इन्हें शिकागो की RSIS कंपनी बनाती है, शिकागो की एक कंपनी है जो इस ट्रॉफी को बनाती है। और पहले जो ट्रॉफी बनती थी, पहले तांबे की बनती थी, जब शुरुआत में जब ट्रॉफी बनानी हुई थी तो तांबे की बनती थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, कहते हैं कि तब धातुओं की कमी पड़ गई थी, तो तब तांबे से बनी हुई मूर्ति बंद कर दी गई। अभी वर्तमान में 24 कैरेट शुद्ध सोने, ध्यान रखना, 24 कैरेट शुद्ध सोने के पानी से चढ़े ब्रिटेनियम से बनती है और इसकी लंबाई 13 इंच लंबी होती है। तो ये देख लीजिए, मतलब इस जो मूर्ति, जो ये ट्रॉफी में जो मूर्ति का जो प्रेरणा मिली है, इसके मुख्य एमिलियो फर्नांडिस थे, इन्होंने अपना पोज दिया और उस पोज से आइकॉनिक बन गए और वो पोज आज भी याद किया जाता है। इसी के साथ आज ही मेरा वीडियो आपको पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा।